अब देखें, अब आप लोगों को एक किडनी किसी पेशेंट का या किसी ने जो है आपको किडनी दिया है, और आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये किडनी लेफ्ट साइड का या राइट साइड का है? हाउ कैन यू विल डिफरेंशिएट दैट दिस किडनी इज ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड? किसमें फर्क पता है? लोड में फर्क होता है। इसके अलावा और दो एक मेजर पॉइंट है इनके अंदर। मेजर पॉइंट इनके अंदर ये है कि जो चले लोड में तो फर्क हो गया, उसके इंटीरियर और प्रोसीजर साइड कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जो इंटीरियर टू पोस्टीरियर सबसे पहले आगे आगे होती है हमारे पास रीनल वेन, उसके पीछे क्या होती है हमारे पास रीनल आर्टरी, और उसके पीछे क्या होती है हमारे पास एओर्टा, ठीक है, सॉरी यूरेटर, ठीक है, मीन द रीनल पेल्विस। पीछे पीछे बिल्कुल रीनल पेल्विस होगा, उसके बाद दरमियान में रीनल आर्टरी, और सबसे फ्रंट में क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, रीनल वेन। तो इस तरह हम उसको जो है ना देख सकेंगे कि ये किडनी किस साइड का है, लेफ्ट का है या राइट का है। इसके अलावा हम इसकी जो है पोल्स देखते हैं, ठीक है, पोल्स जो ऊपर पोल होता है वो इसका होता है बिल्कुल फ्लैट, और जो लोअर पोल होता है ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, ठीक है। तो इन पोल्स को और इनके जो सीक्वेंस को देख के पता चलाते हैं कि ये किडनी राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है। आई थिंक यू गेट दिस पॉइंट, ओके। दिस इज द अब क्लियर हुआ, ये सामने है और वो पीछे है दरमियान, ठीक है, ये बिल्कुल सामने, उसके पीछे ये छुप गई है रीनल आर्टरी, उसके पीछे जो है यूरेटर है, ठीक है, रीनल पेल्विस। सो इन दिस वी कैन डिफरेंशिएट दैट दिस किडनी इज राइट और लेफ्ट, ऑन व्हिच साइड बिलोंग, ओके। अच्छा, उसके बाद आ जाए, यहाँ तक हो गया ब्लड सप्लाई पर। उसके बाद आए हमारे पास नर्व सप्लाई, ठीक है, नर्व सप्लाई नंबर 6 इज नर्व सप्लाई। अच्छा, नर्व सप्लाई कौन करेगा? रीनल प्लेक्सिस ये कहाँ पे होगा? ये ऑलमोस्ट इस रीनल आर्टरी के करीब ही होता है, ठीक है, रीनल प्लेक्सिस। और उसके बाद जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये होती है थ्रू लेटर एओर्टिक लिम्फ नोड, ठीक है, यहाँ तक रहे हो पा डॉक्टर साहब? यू आर कंफ्यूजिंग, लुक हियर, जो नर्व सप्लाई है ये होगी रीनल प्लेक्सिस के थ्रू, यहाँ पे होगा रीनल प्लेक्सिस, ऑलमोस्ट जो रीनल आर्टरी है इसके करीब ही कहीं ना कहीं हमारे पास रीनल प्लेक्सिस होता है, ठीक है। तो उस रीनल प्लेक्सिस के थ्रू जो है ब्रांचेस निकलती हैं और इस किडनी को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द ब्रेन, और ये ब्रांचेस जो है रन करती हैं अलॉन्ग द रीनल आर्टरीज, ठीक है। और इसके बाद जो लिम्फेटिक ड्रेनेज ये होती है थ्रू लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स। ये जब हम लिम्फ नोड नोड पढ़ेंगे और जब हम जो है ना नर्व सप्लाई पूरी बॉडी कंप्लीट पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगी कि ये ब्रांच कहाँ कहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है। बस अभी आपने सिर्फ यहाँ पे यही याद रखना है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है लेटर एओर्टिक लिम्फ नोड के थ्रू, और नर्व सप्लाई होती है हमारे पास रीनल प्लेक्सिस के थ्रू, और रीनल प्लेक्सिस इस आर्टरी के अलोंग जो है रन करता है इनसाइड द किडनी, ठीक हो गया। व्हाट इज यूरेटर?
Water is a pair of narrow, thick walled tube which originated from the pelvis and enter into the bladder. Is known as ureter. Okay, thick wall hollow tube. अब ये क्या करेगी, ये यूराइन को किडनी से कहाँ पर ले जाएगा, ब्लैडर के अंदर, ठीक है। ब्लैडर क्या काम करेगा, यूराइन को किडनी से ब्लैडर के अंदर ले जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो ब्लड सप्लाई देख लेते हैं हम। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, इसकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो इसके जो है ना ये थोड़ा सा इसकी लेंथ है ज़्यादा, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 10 इंच है, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। तो इसके जो है ना 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उन 3 डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट आर्टरीज जो है ना ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो इसका अपर पार्ट है, इसको रीनल आर्टरी ही ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। अपर पार्ट को कौन सी कर रही है जी, अपर पार्ट को रीनल आर्टरी और मिडिल पार्ट को कौन सी कर रही है, मिडिल पार्ट को दैट इज देयर टेस्टिकुलर इन केस ऑफ मेल एंड ओवेरियन आर्टरी इन केस ऑफ फीमेल, ये इसके मिडिल पार्ट को जाना ब्लड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है उसको वेसिकल आर्टरीज, कौन सी आर्टरीज, लास्ट पार्ट को यानी कि पेल्विक रीजन में वेसिकुलर आर्टरीज, ठीक हो गया। ब्लड सप्लाई वेटर की अपर पार्ट को रीनल आर्टरीज, मिडिल पार्ट को टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरीज और पेल्विक पार्ट को वेसिकुलर आर्टरीज, ठीक है। इसको देखते हैं हम नर्व सप्लाई, नाउ नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक टी टेन टू L1 and parasympathetic by the nerve fibers of S2 to S4 in the sacrum region, जो sacral plexus से निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, अब sympathetic nervous system और parasympathetic nervous system में क्या फर्क है? Simple, I think the fight or flight neck. Good. General rest or station of the parasympathetic. Good. Very good. That was then we have basic knowledge. We have grip on your basics. Sympathetic नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट, जब कुत्ता पीछे पड़ जाए, ठीक है, और पैरासिंपैथेटिक जब घर पहुंच जाए वो आपको रिलैक्स कर देगा, ठीक है। मैं लगता है आप आपने कभी नहीं बोलेंगे, कभी कुत्ता पड़ा है आपके पीछे? मेरे पीछे घर पड़ा था, पता नहीं कैसे पहुंच गया था अपने इलाके में। मैं छोटा सा था, बच्चा था, मेरे पीछे कुत्ता पड़ा था, जैसे वो कुत्ता ऐसा था कि पूरे मोहल्ले में ना वो बड़ा डॉग कुत्ता था, बड़ा कुत्ता, पूरे दिन में उसका दे चढ़ गया, मैंने बोला आज मर गया ना, क्या पता नहीं अल्लाह कर रहा है ऐसा। वो मैं भागा और मेरे ना जूते थे ना वो मेरे पाँव से निकल गए, और जब जूते निकले ना कुत्ते को लगा कि जूते मुझे मार रहा है, और कुत्ता भाई में खड़ा हो गया, जब मेरे पीछे मैंने कहा कुत्ता उधर ही खड़ा हो गया। एक बहुत मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेक्चर के बाद सुनाता हूँ। अच्छा, यूरेटर कहा गया, अब आते हैं हमारा लास्ट पार्ट विच इज द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है, नंबर 9। व्हाट इज ब्लैडर? सर, ब्लड सप्लाई इंटरनल
ये जो जो मैंने मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल करेगा ना, तो वो S2 टू S4 जो नर्व्स आ रही है उसके जरिए कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा तो वो T10 से L1 तक कंट्रोल करेगा। T10 मीन जो थोरेसिक इधर जो वर्टिब्रा है, ठीक है, 10 से लेके लंबर इधर पहले वर्टिब्रा से जो नर्व निकल रहे हैं स्पाइनल कार्ड से, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इसके सिंपैथेटिक कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसका जो सिंपैथेटिक फंक्शन होगा जो फाइट और फ्लाइट केस वाला, और जब यह पैरासिम्पैथेटिक होगा तब S2 S4 जो है नर्व्स वो इसको कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है। अब आगे जी ब्लैडर, हमारे पास ब्लैडर क्या है, ब्लैडर एक ट्राइंगल शेप एक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये यूरिन को स्टोर करता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, ब्लैडर की कितनी कैपेसिटी है, इन केस ऑफ मेल 700 मिलीलीटर और इन केस ऑफ फीमेल 500 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, और हमें मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स कब फील होगा, मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स ऑलमोस्ट 2 to 350 मिलीलीटर पे हमें मैच्यूरेशन कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स फील हो जाएगा कि अब हम जो है यूरिनेट कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारा ब्लैडर ऑलमोस्ट 200 to 350 मिलीलीटर तक जो है भर जाएगा तो तब हमें क्या होगा, मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स फील होगा, ठीक है, उसके बाद हम उसको यूरिनेट कर देंगे। अच्छा, अब ब्लैडर में जो दिस इज द ब्लैडर, दिस इज द यूरेथ्रा एंड हेयर इज द स्फिंक्टर मसल्स, दोबारा से ब्लैडर का ब्लैडर, ब्लैडर इज अ हॉलो ऑर्गन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जस्ट यूरिन को स्टोर करेगा, और ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी इन केस ऑफ मेल 700 मिलीलीटर और इन केस ऑफ फीमेल 500 मिलीलीटर, लेकिन लेकिन 200 से 350 मिलीलीटर तक जब ये भरेगा, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूड आएगा यूरिन आएगा तो हमें जो है मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स फील हो जाएगा कि अब हमने जो है क्या करना है, यूरिनेट करना है। तो इसके अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे ना, जो इस ब्लैडर के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो सेंसरी इनपुट देंगे ब्रेन को, क्या कहेंगे कि अब जो है आप लोग क्या करो, इन स्फिंक्टर मसल को खोलो और क्या करो, यूरिनेट करो, ठीक है। दिमाग तरफ पैगाम पहुंचाएंगे कि आप ब्लैडर भर गया है और इसको यूरिनेट करो, ठीक है। और यहां पर जो होंगे यूरेथ्रा के अंदर उसको बोलेंगे इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर्स, अच्छा, जो स्फिंक्टर्स इस ब्लैडर के नेक्स्ट रीजन में होंगे उनको हम कहेंगे नेक्स्ट स्फिंक्टर्स, और ये स्फिंक्टर्स इनवोलेंटरी होंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, ये ओपन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन जो स्फिंक्टर यूरेथ्रल रीजन में है, ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये वोलेंटरी भी है और इनवोलेंटरी भी है, ठीक है, ये मतलब कि हमारे वोलेंटरी कंट्रोल में भी है, ठीक है। जब हम इनको ब्रेन से मैसेज आएगा कि इनको जो है हमें जब यूरिनेट करना होता है तो ब्रेन क्या करेगा, इन स्फिंक्टर्स को ओपन कर देगा और हम जो है यूरिनेट कर देंगे, ठीक है, उस यूरिन को जो है हम अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर देंगे। सो दिस इज द टुडे व्हाट रीनल सिस्टम, ओके, क्लियर हो गया रीनल सिस्टम। जब सेंसरी रिसेप्टर, जब यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड देखें, जब यहाँ पे यूरिन आएगा, जब यूरिन जैसे ही आएगा तो एक स्ट्रेच पैदा होगी हमारे ब्लैडर के अंदर, जैसी स्ट्रेच पैदा होगी तो ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर जो है डिटेक्ट करेंगे उसको, उसको ब्रेन की तरफ मैसेज भेजेंगे, और वो ब्रेन क्या करेगा, डिट्रूसर मसल को जो है कंट्रैक्ट कराएगा। इसके अंदर जो मसल होते हैं हम कहते हैं डिट्रूसर मसल, जब वो डिट्रूसर मसल कंट्रैक्ट होंगे तो उसके बाद क्या होगा, यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जब यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो जो यूरेथ्रा के जो स्फिंक्टर मसल है ये भी ओपन हो जाएंगे, जैसे ही ओपन होंगे तो फ्लूइड जो है जो यूरिन है वो बॉडी से जो है रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास एनाटॉमी, इसके अब हमें करनी आगे फिजियो, नेक्स्ट वीक से फिजियो स्टार्ट होगी इसकी, बस पहला चैप्टर जो है ना फिजियो का स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी क्लियर हुई है इसकी, एनाटॉमी में अभी आप लोगों ने सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को ही जो है ना अपने माइंड में रखना है, कौन सा हाइलम है, कौन सी जो है अगर आपको किडनी दिए जाए तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे ये लेफ्ट किडनी है या राइट किडनी है,
ठीक है, और किस तरह ब्लड आ रहा है, किस तरह ब्लड जा रहा है, ये मेन चीजें थी इसकी। ठीक।